पिहोवा के गांव सियोनसर में पहुंचे स्वामी संदीप ओंकार का ग्रामवासियों ने जोरदार स्वागत किया। गांववासियों ने स्वामी संदीप ओंकार को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। गांव सियोनसर में स्वामी संदीप ओंकार ने गांव के लोगों के बीच में पहुंचकर गांव के विकास के बारे में चर्चा की और समस्त ग्रामवासियों द्वारा स्वामी संदीप ओंकार को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। गांव वालों ने स्वामी संदीप ओंकार का गर्मजोशी से स्वागत कर उन्हें आश्वासन दिया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रत्येक ग्रामवासी स्वामी संदीप ओंकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। इस अवसर पर संदीप ओंकार ने कहा कि गांव की प्रत्येक समस्याओं का निवारण हेतु विचार विमर्श किया गया है। इस अवसर पर गांव के पंडित शिवनारायण दीक्षित, राजेश दहिया, पूर्व सरपंच सतपाल दलवीर, जयकरण बलिंदर, रणधीर, ज्ञानी राम शर्मा, सुभाष सोमदस सहित अनेक ग्रामवासी मौजूद थे। खबरनामा हरियाणा के लिए पिहोवा से अभिषेक पूर्णिमा की रिपोर्ट। आपने मुझे अपना आशीर्वाद दिया और मुझे हौसला दिया, उसका आज मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज भी जो आपने इतना समय निकाल कर यहाँ पर आए, मुझे पता है मौसम भी खराब है और घर भी बहुत काम होते हैं, और आप आज भी अपना समय निकाल कर यहाँ आशीर्वाद देने गए हैं, उसका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और पूरी टीम का जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया है उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और मेरे साथ ही आए मेरी पूरी टीम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो अपना समय निकाल कर यहाँ पर अपना प्यार देने के लिए मुझे आते हैं। मैं आज आपको यह विश्वास दिलाने आया हूँ, मैं पहले भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ हूँ, और जो मैं लगातार इतने समय से मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों की मैं आवाज बन सकूं। आप लोगों को मैं कभी वोट की दृष्टि से नहीं देखता कि आप मेरी वोट यहाँ पर बैठी हैं, मैं आपको हमेशा अपने परिवार की तरह समझता हूँ। कभी भी मेरा कोई भी कार्यक्रम हो, अब जब भी मैंने आपको बुलाया है, आप मुझे अपना प्यार देने के लिए आते हैं, कभी भी किसी कार्यक्रम में कभी जिंदगी में स्टेज पे चढ़कर नहीं बैठा कि मैं स्टेज पे बैठा हूँ लोग नीचे बैठे हैं। आज तक आप लोगों का यूज यही हुआ था कि युवाओं का नारे लगवाने के लिए लेके ले जाते हैं, उसके बाद वहीं के वहीं खत्म कर देते हैं, आगे कोई नहीं बढ़ पाता। मैं आपको अपने परिवार का सदस्य समझता हूँ, जब भी आप किसी प्रोग्राम में आए हैं, जैसे मैं आज आपके परिवार में आया हूँ, आप मेरे मान सम्मान के लिए चाय बिस्कुट सब एक अपने परिवार के व्यक्ति की तरह देखते हैं, और जब भी मेरे किसी कार्यक्रम में आए हैं क्या कभी वहां से कोई भूखा गया है? नहीं, क्योंकि मैं आपको वोटर नहीं समझता, मैं आपको